राजू जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मंत्री श्री संतोष गंगवार जी को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो बिल है ये खास करके हमारे दार्जिलिंग तराई डूवर्स के करीब 400 बड़े चाय बागान और 800 से हजार छोटे जो स्मॉल ग्रोअर है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये विधेयक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन को दर्शाती है। भारत की आज़ादी के 72 वर्ष के बाद भी आज तक इस तरह के रिफॉर्म हमारे सामने नहीं आए थे। आज करीब 50 करोड़ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज श्रमिकों को वेतन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है, जबकि पहले लगभग सिर्फ 10 करोड़ श्रमिकों की ही बात होती थी। अब ये 4 लेबर कोड के माध्यम से करीब 29 श्रम कानून इसमें जो है समाहित हो रहे हैं। वेज कोड जो पिछले साल ही पास हो चुका है, आईआर कोड, ओएचएस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, ये बिल 2019 में ही अपने सामने आ गया था, लेकिन इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था और स्थायी समिति ने सभी स्टेक होल्डर श्रमिकों और श्रमिकों के जो संगठन है, इंडस्ट्री के जो लीडर है, उनके जो एक्सपर्ट हैं, उन सब से इनपुट भी लिए और समिति द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डर द्वारा दिए गए करीब 174 जो सुझाव है उसको भी अपना लिया गया है। अब सर मैं इस बिल के कुछ मेरिट आपके सामने रखना चाहूँगा बहुत सरल भाषा में। ये बिल पास होने के बाद सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज की गारंटी देता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, मैं चाय बगान क्षेत्र से आता हूँ। 1951 प्लांटेशन लेबर एक्ट के कारण आज तक पश्चिम बंगाल में लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 350 रुपये मिनिमम वेज है, लेकिन चाय बगान के मजदूरों को मात्र 176 रुपये प्रतिदिन मिलता है। अब इस कानून के पास होने के बाद पीएलए एक 1951 अस्तित्व में नहीं रहेगा और श्रमिकों को पूरा जो है वेतन मिनिमम वेज मिलेगा। ये जो बिल है सभी मजदूरों को समान वेतन की गारंटी देता है, महिला और पुरुष मजदूरों को समान वेतन देता है। हर मजदूर को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा, हर मजदूर को साल में एक बार हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा और जो मिनिमम वेज की जो अलग अलग समस्याएं थी, समानता नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उसको दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म फ्लोर वेज का प्रावधान भी किया गया है। जो प्रवासी हमारे भाई बहन जो मजदूर हैं उनको हर साल एक बार घर जाने का किराया भी मिलेगा और जो हमारे प्रवासी जो मजदूर हैं जहाँ भी काम करेंगे उनको वहीं पे राशन मिलने की व्यवस्था भी इस बिल के माध्यम से हो रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति का प्रावधान है, महिलाओं को भी मतलब रात में भी काम करने की व्यवस्था भी इस बिल के माध्यम से किया गया है और महिलाओं को सभी क्षेत्र में काम करने की भी इजाज़त दे रही है ये बिल। और जब महिलाएं रात को काम करेंगे उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी अनिवार्य होगी। अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज क्षेत्र में सभी मजदूरों को पेंशन ईपीएफओ योजना का लाभ मिलेगा और मजदूरों को ट्रिब्यूनल में जल्द से जल्द न्याय मिलने की सुविधा भी है और ट्रिब्यूनल को कम से कम एक साल के अंदर में उसके ऊपर में फैसला करना होगा। इसके माध्यम से लिटिगेशन बहुत कम होगा और लिटिगेशन जल्द से जल्द खत्म भी होगा। और छोटी सी कंट्रीब्यूशन से भी ईएसआई अस्पताल के अंदर में इलाज की सुविधा होगी और ईएसआईसी सभी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए खुलेगा। ईएसआईसी अस्पताल, दवाखाना एवं सर थोड़ा एडजस्ट करिए सर, 2-3 मिनट बस अपने क्षेत्र के उस पर आ रहा हूँ, दवाखाना एवं शाखाओं को जिला स्तर तक जो है इसके माध्यम से विस्तार होगा। ये बहुत बड़ी बात है और 10 से कम वाले कम मजदूर जिस संस्था में है वो स्वेच्छा से ईएसआईसी के साथ जुड़ने के मौका भी उनको मिल रहा है। सर जैसा मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल राज्य में मिनिमम वेज एक्ट अभी तक चाय बगान में लागू नहीं था, इस बिल के माध्यम से हो रहा है। इस बिल के पास होने के बाद चाय बगान और सिंखोना बगान में काम करने वाले श्रमिकों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा। प्लांटेशन लेबर एक्ट जो अभी तक सिर्फ कागजों पर ही सीमित थी, अब इस बिल के पास होने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा
और इस कानून के बाद चाय बगान सिंखोना बगान के काम करने वाले मजदूर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस कानून के पास होने के बाद अब कोई भी मालिक जो है वो इन काइंड में 15% से ज्यादा पैसा मतलब सामान या सुविधा नहीं दे पाएगा, उनको 85% जो है इन कैश उनके हाथ में देना होगा। इसका अर्थ ये हुआ सर, आज पश्चिम बंगाल में मिनिमम वेज 350 रुपया है, जब उनको 85% देना पड़ेगा इसका मतलब ये होगा कि करीब करीब 300 रुपया मिनिमम वेज सभी श्रमिकों को मिलेगा। सर बस बस ये 2 मिनट और सर, इसके साथ ही जल्दी समाप्त कीजिए, एक मिनट में बात पूरी कीजिए बस सर, सवा मिनट और। और सर मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, श्रमिकों को आज तक भूमि का अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि लैंड जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो कानून आज भी पश्चिम बंगाल में लागू है। अभी 2019 में ही पश्चिम बंगाल सरकार ने 15% चाय बगान की जमीन मालिकों को दे दी टूरिज्म के लिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उस जमीन पे मालिकों से ज्यादा अधिकार हमारे श्रमिकों का है। तो मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ, जिस तरह से FRA 2006 इसी पार्लियामेंट से पास होकर के जो हमारे वन बस्ती में रहने वाले लोगों को जमीन का अधिकार दिया गया, इसी तरह से कानून पास करके जो हमारे श्रमिक चाय बगान और सिंखोना बगान में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रजापट्टा दिया जाए। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हमेशा कहती थी पहाड़ हास्चे, लेकिन पहाड़ को उन्होंने शमशान घाट बना के रखा हुआ है। मैं इस बिल पास होने के बाद इतना अपने लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, इस बिल पास होने के बाद पहाड़ जरूर मुस्कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।